कई बार महसूस होता है कि बहुत से लोग मुझे बदलना चाहते हैं, और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे कई बार बहुत से सजेशंस आते हैं कि आप ये करो, आप वो करो, आप ऐसा ड्रामा मत करो, आप वैसा ड्रामा मत करो, आप ऐसा करोगी तो आप वहाँ पहुँच जाओगी, आप ऐसा करोगी तो आपको ये मिल जाएगा। सारी बातें ठीक हैं, लेकिन ये जो ड्रामा शब्द है ये मेरे दिल को चुभ गया यार। ड्रामा और मैं, अगर ड्रामा करना आता ना सखियों तो शायद सिल्वर बटन पा चुकी होती अब तक आपकी सखी। एनीवे, जो भी लोग कमेंट करते हैं और फिर बाद में डिलीट कर देते हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि कमेंट आपकी तरफ से तो डिलीट हो जाते हैं पर मेरे पास हमेशा रहते हैं, इतनी अथॉरिटी तो दी है यूट्यूब ने। खैर, बुरा ना माने तो बस इतना कहना चाहूँगी उन लोगों से, चार लाइन अपने दिल की, मुझे मुस्सा ही रहने दो, मुझे मुस्सा ही रहने दो, मुझे खुद सा ना बनाओ, जो आज तुमने बदल दिया तो कल कोई और बदल देगा, फिर कोई और बदल देगा, फिर मैं ना रहूंगी, फिर मैं ना रहूंगी, मुझे मुस्सा ही रहने दो। तो कुछ समझी सकी? और मैं उनसे कहूंगी जिन लोगों को मेरी वीडियोस ड्रामा लगती हैं, वो प्लीज प्लीज मूव ऑन करें उन लोगों की तरफ जहां उन्हें जेन्युइन लोग मिलते हैं। और मैं हैप्पी हूं अपनी लाइफ में, जैसी भी है, जो भी है, मेरी है, और यही है सच्ची लाइफ मेरी। तो भातू, गुड मॉर्निंग बाबू, गुड मॉर्निंग। उठ रहे हो? आपकी क्लास है ना आज? 10 o'clock क्लास है ना बाबू? मैं तो थक गया। आप थक गए? कैसे बेबी, कैसे थक गए मेरी जान? आज तो एक्टिविटी है, फन वाली क्लास है, फन वाली। नो, वो जो नहीं होता है, क्या था उसको, क्या बोलते हैं जो कलरफुल होता है, क्या होता है वो? क्ले? नो। हाँ, वो रंगोली। क्या बोलिए? रंगोली होता है। रंगोली होता है? अच्छा, तो रंगोली बनानी है आज क्लास में। भाई साहब लड़ाई खत्म हो गई आपकी और मेरी है? भाई साहब, अभी आपको सजा देनी बाकी है। सजा देनी बाकी है? क्या सजा दोगे मेरे को? मेरे को क्या सजा दोगे मेरी जान? क्या सजा देगी? फिर मैं तेरी मालिश भी नहीं करूंगी, जा, मैं तेरे को गाना भी नहीं सुनाऊंगी। जा। तू मेरी जान, मेरा ईमान है, मेरा कल्लुआ है, मेरा हलुआ है, फिर तू छोच ले फिर। ए नो, मेरे को तो ये मेरा भाई साहब। उठो उठो उठो, सुबह हो गई मामू, उठ जाओ, क्लास का भी टाइम हो जाएगा, 10 o'clock। आज नाश्ते में क्या खाएंगे आप? Save me other thing going to do. Where is the life I? Where's my shy? Is this call living? I don't know. Where's the life I? Where's my shy? Is this call living? I don't wanna grow. The things I left behind me.
तो मुझे अभी मैसेज रिसीव हुआ है अनामिका का, मैं आपसे नाराज हूँ, मैंने आपसे लेट वीडियो में हेल्प की रिक्वेस्ट की थी, कुछ मत करता पर रिप्लाई कर सकती थी। तो अनामिका ये देखो, ये होल्ड फॉर रिव्यू मैंने अभी आपके लिए ओपन किया कि पता नहीं शायद आपने मुझे कोई मैसेज भेजा होगा। तो देखो यहाँ कितनी सारी सखियों के ये ब्लॉक, ये जो आप देख रहे हो ना ये निशान, ये ब्लॉक के निशान है। ये देखो किसी ने यहाँ पे अपना लिंक शेयर किया हुआ है तो वो मुझे नहीं मिलते हैं। मैं 100 बार आप लोगों से कह चुकी हूँ। देखो अनामिका पटेल का है कि उनके संग फ्रॉड हुआ है, वो चाह रही थी कि मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, तो देखो मुझ तक नहीं पहुँचा, ये यहाँ पे ब्लॉक वर्ड है। ये देखो फिर भी यहाँ पे आके हैशटैग वाले वर्ड यूज़ किए, ये देखो। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा है ये मेरी सखियों के नाम पे ये अजीब अजीब नाम कहाँ से आ गए हैं। देखो ये प्रियंका का चैनल है, प्रियंका कोई गलती ना हो जाए, भगवान कोई गलती ना हो जाए, ना सॉरी सॉरी सॉरी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये प्रियंका का चैनल है, इस पर लिखा है तिकोन होटोर, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ रहा है। और ये देखो ये पूनम का लोगो है, तो यहाँ पे लिखवा रहा है सपना मकवाना, यहाँ लिखा हुआ आ रहा है। और यहाँ पे सोयम किचन्स लिखा हुआ आ रहा है। तो मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, अभी देख रही हूँ ये सब चीज़, तो मैं ये सब क्या हो रहा है, ये मेरी सखियों का ये सलोनी सपरा तो ठीक आ रहा है, तो ये कुछ गड़बड़ है भाई, कुछ गड़बड़ है चैनल में, देखना पड़ेगा देखना पड़ेगा। तो अनामिका देखो आपका कोई कमेंट मुझे रिसीव नहीं हुआ है डियर, कोई कमेंट रिसीव नहीं हुआ। ऐसा हो सकता है कि आप लोग मुझसे कमेंट में अगर कोई ज़रूरी बात कहें तो मैं रिप्लाई ना करूं, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और अब मैं बार बार सॉरी भी नहीं बोलूँगी इस बात के लिए, क्योंकि मैं थक चुकी हूँ सफाई देना दे के, मैं बहुत थक चुकी हूँ। अब मैं ये कहूँगी जिसे जो सोचना है, नाराज होना है हो जाओ, क्योंकि मैं थक गई यार, 1.5-2 साल से मैं थक गई आप लोग को समझाते समझाते कि आप तक मेरा मैसेज, आपका मैसेज मुझ तक नहीं पहुँचेगा अगर आप ब्लॉक वर्ड यूज़ करोगे तो। हाँ लेकिन सबके नाम है ना उलट पुलट हो गए हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे नहीं समझ आ रहा। हाँ तो मैं अभी मैं जरा एक चमचन का काम करके फिर फ्री होंगी। आज ज़्यादा बातें नहीं की है वीडियो में, क्योंकि आज पूरी किचन की सफाई हो रही थी और माइक्रोवेव को भी क्लीन किया है, बाहर से तो खैर रहता ही है तो अंदर से भी चमका दिया है। तो बहुत बिजी थी यार आज, बात नहीं कर पाई, सॉरी। मेरे पास टाइम नहीं तुम लोगों से बात करने का, समझी? देखो बाल छोड़ना है मुझे। तो अभी मैंने पूरी किचन साफ करी है, पूरी स्लेब धोई है, और देखना जैसे ही मैं ये तड़के में दाल डालूंगी ना, वैसे ही पूरी दीवार में छींटे आ जाएंगे। तो यही लाइफ है सखियों, दोबारा दोबारा हर काम को करना ही पड़ता है। आप देखो कितने दिन चलती है ये दीवार, तो रोज़ तो नहीं क्लीन करती, ऐसे पोंछ देती हूँ, पर वो ऑयल होता है ना, तो हफ्ते में एक बार तो अच्छे से धोना ही पड़ता है। सखियों मैं खाने जा रही हूँ चावल दाल रोटी पापड़ और सलाद, वहाँ पे है। तो मैं यहाँ पे चावलों को इस तरह से जो बच जाते हैं ना चावल, उनको रोल रोल करके ताकि कौओं को खाने में आसानी हो, वो क्या करते हैं एक पूरा गोला उठा के मुंह पे दबा के ले जाते हैं। एंड अभी देखना आप जल्दी से आएगा कुकू और लेके जाएगा और सब ले जाएंगे, तो उनको पता है कि यहाँ पे खाना मिलता है, तो बस इसीलिए। और बच जाता है, बहुत कम क्वांटिटी में बनाती हूँ मैं, कोशिश करती हूँ कि ख़त्म हो जाए रोज़ के रोज़,
तो बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा बनाती हूँ इन लोगों के लिए। तो क्योंकि ये जानवर हैं, इनको हम ही देंगे, हम नहीं देंगे तो कहाँ से खाएंगे। तो ये देखो एक एक करके सब आ रहे हैं। अब ये है दूसरा कुकू, पहले वाले ले गया। तो तुम क्या सोच रही हो, सीमा तुमसे बैठ के बातें करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। मेरा काम है कि खत्म ही नहीं हो रहा सखियों, तो अभी मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है किसी से भी बात करने का, जब तक ये कपड़े तय नहीं लग जाते। ये कपड़े तय लग जाएंगे एंड शालू प्रमोद की बहुत सारी वीडियोस आई हैं, उन्हें डाउनलोड करने के लिए वहाँ लगाया है और दो बार डाउनलोड कर चुकी हूँ, फेल हो गया, अब तीसरी बार फेल लगाया है। तो अभी एक वीडियो एडिट करके आप लोग के लिए वो भी पहुँचानी है। सबके घर में सेम काम होते हैं, आई नो, है ना, लेकिन यही जिंदगी है सखियों, जीना तो पड़ेगा। कब आएगा ये सैटरडे संडे? आई एम वेटिंग सखियों, कपड़े दे मारो चलो। दिन के काम ख़त्म हुए सखियों, बर्तन साफ, खाना क्लीन, सब क्लीन। अब चलेंगे आराम करने। आराम से मेरा मतलब है काम करने, पर इससे पहले एक ज़रूरी काम। तो फाइनली कपड़े तय लग चुके हैं सखियों, और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ ये वाली लाइन पूरी पार्थ की है, ये पार्थ की है एंड ये पार्थ की है। और ये सिर्फ तीन या दो तीन दिन के कपड़े हैं, क्योंकि संडे को तो मैंने लगा ही दिया था, फ्राइडे से संडे तक के कपड़े हैं एंड ये मेरे हैं एंड सबसे ज़्यादा पार्थ के हैं। तो आप अग्री करेंगी ना, बच्चों के कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, वो एक दिन में 2 से 3 बार ड्रेसेस बदलता है एंड सबसे कम कपड़े हैं अनूप के, आप देख सकते हैं। क्योंकि एज़ यूजल आदमी लोग एक पैंट को कई बार पहन लेते हैं, एक टी शर्ट को कई बार पहन लेते हैं, है ना। शाम हो गई, अरे भैया सुनो, कुछ मीठा लेके आओगे रात को? हैं? अच्छा ऐसे रिक्वेस्ट कर रहे हो? रिक्वेस्ट थोड़ी कर रहे हो, सुन ए सुन लम्बू, रात को मीठा लेके आई हो और नहीं आया ना तो तुझसे पकवाऊंगी रात को 11-12 बजे जब मुझे मीठा चाहिए होता है। अब ठीक है, यही चाहिए था तुम्हें, खुश हो अब इज्जत पाक के मेरे मुंह से? देख वैसे तुम्हारा पेट तो गायब हो गया बाबू। वैसे मैं तुम्हें ये बता दूं, शालू और प्रमोद ने हमें चैलेंज भेजा है, मैं अभी तुम्हें दिखा नहीं पाई, 10 दिन व्लॉग बनाने का लगातार बिना रुके, आपको भी, दी और जीजू दोनों को। तो सुनो ना, किसी दिन कैमरा ले जाके तुम बना लेना व्लॉग। सखियो बाय। लंबू मिठाई मत भूलियो। बाय 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 बाय। अच्छा बाय बाय मेरे अच्छे डैडी। आया ना? हाँ, तभी तो लालची, ये एक लालची बच्चा है। मैं तो आ रहा हूँ। आ रहा है, ये बंद कर दूँ? आ रहा है, ये बंद कर दूँ? जल्दी जल्दी आजा, जल्दी आजा, जल्दी आजा, जल्दी आजा, जल्दी आजा, जल्दी आजा। वही मैं ब्यूटीफुल सखियों, टी टाइम हो गया है, अनूप मुझे चाय बना के दे के गए थे और मैं लैपटॉप में थोड़ा सा कपड़े तय मारने के बाद काम करने लग गई थी एंड चलो भाई बहुत थक गई हूँ, लग रहा है ना मेरा फेस देख के मैं बहुत थक गई हूँ और अब मैं पता नहीं क्या करूँगी। एंड मीठा अनूप से इसलिए मंगा रही थी कि रोज़ रात को ना मुझे खाना खाने के बाद मीठा चाहिए ही चाहिए, कुछ चाहिए। तो कभी कभी मैं किशमिश डाल लेती हूँ क्रेविंग कम करने के लिए, कभी छुआरा खा लेती हूँ, लेकिन हर रोज़ थोड़ी होता है ऐसे। तो रात को मैंने 12 बजे उठ के क्रीम रोल खाया था, तो
तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ एक छोटा सा पीस होता मिठाई का या केक का कुछ भी, बस क्रेविंग खत्म हो जाए, इसलिए मीठा मंगा रही थी अनूप से। फ्रिज में रहना चाहिए, मन अच्छा रहता है ना तब नहीं खाते, पर जब नहीं होता तब मन करता है। तो हमारे फ्रिज में ज़रूर कुछ ना कुछ पड़ा रहता है ऐसा मीठा, इसलिए मुझे क्रेविंग हो रही थी। तो चलो सखियो, बहुत बड़ी वीडियो हो चुकी है एंड आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। मिलेंगे आपसे फिर से नई वीडियो पे, लेकिन अब की बार शालू की बारी है। अब कल शालू का ब्लॉग आएगा, फिर आऊंगी मैं। तब तक लबो ऑल, अपना ख्याल रखना, खुश रहना, स्वस्थ रहना, औरों को भी खुश रखो। बाय बाय, लबो ऑल, कमेंट करके जाओ, लाइक करके जाओ, वरना तुम्हारी मर्जी, डिसलाइक भी करके जाओ। बाय 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 बाय।